हाय एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं एकेडमिया क्लासेस के चैनल पर। कोवैक्सीन सीरीज, जो कि भारतीय संविधान को जानने के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, चलाई जा रही है। उसी के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, डेली वोकैब्स टाइम, आर्टिकल सीरीज, ऑथेंटिक न्यूज, ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी अच्छी हो तो जुड़ सकते हैं हमसे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला रूल होगा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है, चलो समझते हैं। रूल नंबर 15 बहुत ही सिंपल है कि आर्टिकल ए और एन, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो आपको ये टर्म्स याद हो जानी चाहिए। मतलब ये दोनों क्या कहलाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। अनिश्चित, अनसर्टेनिटी बताते हैं अपने आप में, नाउन के साथ उसकी पोजीशन बताने के लिए। तो ये दोनों क्या इंडेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन इज यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल, कहाँ पर, बिफोर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे शब्दों से पहले जो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग, मतलब एक काउंटिंग को एक्सप्रेस करते हो, ऐसे शब्दों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। या फिर जो यूनिट्स को बताते हो, ऐसे शब्दों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आई होप के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ऐसे शब्द जो काउंटिंग को बताते हो या फिर यूनिट्स को बताते हो, उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अ डजन, अब ये शब्द है, ये काउंटिंग है। डजन क्या है, 12 को बोलते हैं हम, दर्जन हमारे हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। 100, 100, 1000, हजार है, मिलियन 10 लाख है, 10 लाख। अगर किसी को डाउट है, 1 लाख कोई बोलता है मिलियन को, तो वो अपना करेक्ट कर ले के 10 लाख को असल में 1 मिलियन बोला जाता है। स्कोर हम एच में देखते ही है, नंबरिंग के लिए, गणना के लिए स्कोर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ग्रोसरी जो रेट होती है, हम ग्रोस का प्रयोग करते हैं। जीडीपी, जीडीपी में जो पहला है जी, वो असल में ग्रोस का ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी गणना के लिए, कुल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कपल, कपल हम बोलते हैं, 2 के लिए प्रयोग करते हैं, कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन। तो ऐसे शब्दों के साथ असल में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर लिया जाता है और इस्तेमाल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ डजन एग्स, मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। ओके, एग्जाम्पल, शी हैज 1000 रुपीज, उसके पास 1000 रुपये है। 1.5 किलो, अब 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो, हम जिसे इस तरीके से लिखते हैं वही है 1.5 किलो। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, अ किलो एंड अ हाफ, तो 1 किलो और आधा किलो, मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 का प्रयोग किया गया, यहाँ पर ए का। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि 1 का ही वीक फॉर्म ए है और ए का और एन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म 1 है। ओके, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही लिया जाता है, यानी कि दोनों के अंदर एक ही मीनिंग होता है। अ किलो एंड हाफ मतलब ये भी 1.5 किलो के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल देखिए, हाफ अ किलो मतलब आधा किलो, आधा किलो जिसे हम बोलते हैं वो है। और एग्जाम्पल, अ कपल ऑफ आवर्स, यानी कि 1-2 घंटे विल बी एनफ, काफी होंगे फॉर द वर्क, काम के लिए। ओके, काम के लिए 1-2 घंटे काफी होंगे। अगला वाक्य क्या है, अगला एग्जाम्पल देखिए, ही हैज टू गो 5 and a quarter miles a day, मतलब उसे 1 दिन में 5, और ये अ क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं असल में 1/4 को, मतलब हम सवा जिसके लिए वर्ड प्रयोग करते हैं ना, हम पाव भी, सवा, पाव, आधा, पौन, ये जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनमें जो पाव है या 25 है या सवा है, उसके लिए हम इंग्लिश में क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। तो मतलब 5.25 मील उसे 1 दिन में चलना पड़ता है या जाना पड़ता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। क्या रूल था, कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो काउंटिंग बताते हो या फिर यूनिट्स को डिनोट करते हो। तो आई होप आपको रूल नंबर 15 समझ में आया होगा। चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 16 को देखते हैं क्या है। रूल नंबर 16 है ए और एन, मतलब दोनों आर्टिकल हैं, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। आप इन टर्म्स को बराबर याद रखिए ताकि अगर आपको कभी यानी रिवाइज करना हो और ऐसे लेक्चर्स देखने हो, आपको फास्ट मूड में क्या करना हो, वीडियोस देखने हो, तो आपको अगर टर्म्स मालूम नहीं है तो आप शॉर्ट में तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट में वो ही तैयारी कर सकता है मतलब जल्दी जल्दी रिवीजन वही कर सकता है जिससे टर्मिनोलॉजीज मालूम हो, जो फास्ट मूड में भी समझ सकता हो चीजों को। ओके, तो आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसे समझ लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये तो संज्ञा का अर्थ है, ठीक है। संज्ञा हो कौन सी? काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, जिसे गिना जा सकता हो, और वो भी क्या हो? सिंगुलर हो, मतलब सिंगुलर फॉर्म में काउंटेबल नाउन हो। उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब किस लिए? टू डिनोट, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए, इशारा करने के लिए। होल क्लास मतलब जिसकी तरफ यानी इशारा करता है, या मतलब ये बात बताता है कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है जिसका प्रयोग किया गया है, उससे पहले अगर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर लिया गया है तो वहां पर आप समझिएगा कि वो नाउन पूरे क्लास को बताएगा, पूरी क्लास को डिनोट करेगा, पूरी क्लास के बारे में जानकारी देगा। एग्जाम्पल देखिए, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब यहाँ पर काउ क्या है? नाउन भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है। इससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर लिया तो क्या हो गया कि अ काउ ये पूरी क्लास को डिनोट कर रही है, इज अ डोमेस्टिक एनिमल, के गाय क्या है? एक पालतू जानवर है। गाय क्या है? एक पालतू जानवर है। डोमेस्टिक एनिमल हम बोलते हैं, ये बाकायदा एक्टम है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ठीक है। एक बैल क्या है? बहुत ही फायदेमंद जानवर है। तो यहाँ पर ऑक्स है और यहाँ पर काउ है, दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों से पहले आर्टिकल ए या एन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर काउ और ऑक्स दोनों होल क्लास को डिनोट कर रहे हैं, मतलब पूरी जाति है जो गायों की, उसके बारे में बता रही है कि जो गाय हैं, जितनी भी गाय हैं वो असल में डोमेस्टिक एनिमल है, और उसी तरीके से जितने भी ऑक्स हैं वो सब क्या है? यूजफुल एनिमल है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रूल नंबर 16 का। नोट देख लीजिए यहाँ पर, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट नहीं रहना चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए कि कभी, क्योंकि इसी वीडियो सीरीज में अलग अलग तरीके से होल क्लास को डिनोट करने के तरीके मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, दिस सेंटेंस इज सिमिलर टू, यानी मिलता जुलता ही है या सेम अर्थ व्यक्त करता है या सेम मीनिंग देता है। कौन सा वाक्यों से मिलता जुलता है? काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब गायें क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ऑल काउज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, सभी काउज क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ क्या होती है? एक डोमेस्टिक एनिमल होती है। तो सभी वाक्यों में अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ ये क्यों बताया गया? ताकि आपको मालूम रहे कि ये वाला भी स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है पूरी क्लास को डिनोट करने के लिए, होल क्लास को बताने के लिए। ऑल का, द का और प्लूरल नाउन का तो प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग कर लेते हैं, तब भी आप होल क्लास को डिनोट कर सकते हैं, बताते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रूल नंबर 16। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 17 क्या है? जनरली, आमतौर पर क्या होता है? आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सबसे कॉमन रूल है आर्टिकल ए और एन के बारे में कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। क्यों सिंगुलर ही क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए और एन अपने अंदर जो मीनिंग रखते हैं वो एक का अर्थ रखते हैं, और अगर हम ए और एन लगा देते हैं और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन लेकर आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि अ बॉयज, एक लड़के, ऐसे ये तरीका अच्छा नहीं होता है, और यानी कि लैंग्वेज में इसे बुरा ही माना जाएगा। क्योंकि एक लड़का आप जरूर बोलेंगे, एक लड़के नहीं बोलेंगे, एक बहुत सारे छात्र, एक बहुत सारे छात्र नहीं बोलते आप, बल्कि क्या बोलते हैं? बहुत सारे छात्र मतलब स्टूडेंट्स। तो अब एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम अ टीचर। अब टीचर क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन भी है, नाउन तो है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम टीचर्स को, ओके, सिंगुलर भी है, एक वचन भी है। तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया है, जो कि सही है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, यू आर अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक नाउन है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है, जो कि एक आर्टिकल है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, ही इज अ पब्लिशर। पब्लिशर जानते हो आप, जो प्रकाशित करता है उसे पब्लिशर कहा जाता है। पब्लिश करना, प्रकाशित करना, एज अ वर्ब प्रयोग किया जाता है, और पब्लिशर प्रकाशित करने वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, शी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर एक नाउन है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया है। चारों ही वाक्यों में आप देख सकते हैं के सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, जो कि एकदम सही प्रयोग है। तो यह था हमारा रूल नंबर 17। बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम कन्वर्सेशन में, रिटर्न फॉर्म में, हर जगह जहां पर भी हम कुछ लिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, अगला रूल क्या है, रूल नंबर 18, ए और एन इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए ये कौन सी एक अजीब ही बात है यहाँ पर, क्योंकि अनकाउंटेबल जो होगा उसके पहले ए और एन कैसे प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल तो यानी गिने ही नहीं जा सकते, उन्हें तो बोलते हैं, और जब वो गिने ही नहीं जा सकते तो उनसे पहले एक लगाना क्या सही होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो रूल बताया जा रहा है उसके मुताबिक सही होगा। कैसे एन और ए प्रयोग किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, कब, जब वेन अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह मतलब इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि वो वहां पर गिनने योग्य हो, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर ट्रिकी लग रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप एग्जांपल देखिए और एग्जांपल से ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये जो दीवार है वो पत्थर की बनी हुई है। अब यहाँ पर स्टोन क्या है, स्टोन यहाँ पर अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, शी थ्रू अ स्टोन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका। तो अब यहाँ पर स्टोन क्या है, एक काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक नाउन अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब वही नाउन वाक्य में इस तरीके से प्रयोग किया गया हो कि उसे गिना जा सकता हो, तो हम उससे पहले आर्टिकल का ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी हैज ब्यूटी, मतलब उसके पास सुंदरता है, वो खूबसूरत है, हम बोल सकते हैं शी इज अ ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटी क्या है, सुंदरता है। अब यहाँ पर भी ब्यूटी वर्ड का प्रयोग किया गया, शी इज अ ब्यूटी। अब यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर ए लगा दिया, मतलब ब्यूटी क्या हो गया, काउंटेबल। सुंदरता कभी काउंटेबल हो सकती है क्या, हो सकती है जब आप ब्यूटी एज अ लेडी बोले, किसी औरत को बोले आप शी इज अ ब्यूटी, वह एक औरत है, तो आप वहां पर उसे काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, ओके, जो मछली और चावल है वो मेरा पसंदीदा डिश है। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे फिश क्या है, फिश यहाँ पर अनकाउंटेबल है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, ही कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ी। तो यहाँ पर फिश क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, इसलिए हमने ए का प्रयोग कर लिया इससे पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर इज नो लाइफ इज विदाउट वाटर विदाउट फायर, देर इज नो लाइफ यानी कि जिंदगी नहीं है बगैर आग के, देर इज नो लाइफ विदाउट फायर, आई थिंक इधर एस इज नहीं है, देर इज नो लाइफ विदाउट फायर, आग के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, जीवन मुमकिन नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर फायर क्या है, फायर यहाँ पर आग है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखिए, he made a fire to warm himself, यानी he made a fire। अब यहाँ पे फायर का क्या अर्थ हुआ, अंगीठी होती है ना जो सिकड़ी भी बोलते हैं, उसके लिए जो शब्द बोलते हैं अंगीठी, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, ओके, अपने आप को यानी कि गर्म रखने के लिए लोग लगाते हैं, वो बनाते आग लगाकर, एक यूनिट के तौर पर एक थिंग मान सकते हैं आप उसे, तो उसके तौर पर यहाँ पर फायर का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, ये जो बॉल है वो रबर की बनी हुई है, यहाँ पर रबर अनकाउंटेबल है। ही हैज टू बाय अ रबर, यानी उसे ही हैज टू बाय अ रबर, उसे एक रबर खरीदना पड़ता है। अब यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि होता है ना कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास जो रबर होता है वो एक काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, ओके okay, किसी बच्चे के पास अगर 5 रबर है तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास 5 रबर है। तो बाज औकात अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, ठीक है, ये क्या है, शादी क्या है, दो सोल्स, मतलब दो यानी कि जो आत्माएं होती है, जो रूहें होती है, उनका मिलन है मैरिज, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैरिज एज ए अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग किया गया है। ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज, वो एक शादी अटेंड करने जा रहा है या करने वाला है। तो यहाँ पर मैरिज काउंटेबल है लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज ग्रेट लव फॉर मी, यानी कि उसके पास मेरे लिए बहुत प्रेम है, मतलब वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन शी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइन, वह मेरा बहुत पुराना प्यार है या प्रेम है या प्रेमिका या प्रेम, इसका अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लव क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर लव क्या है, काउंटेबल नाउन है। सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लैम इन मेन्यू, यानी कि लैम जो कि जानवर होता है, तो लैम है मेन्यू में गिवन है। अब यहाँ पर लैम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन दैट इज अ लैम, अगर आप किसी एक वो जानवर जो है उसकी तरफ इशारा करोगे तो वो एज अ काउंटेबल नाउन वहां पर डिनोट किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैम हियर ऑन टाइम, तुम यहाँ टाइम पर आए हो, तुम यहाँ टाइम पर आए हो, ये अनकाउंटेबल है। लेकिन ही हैड अ बैड टाइम इन दिल्ली, ही हैड अ बैड टाइम, मतलब दिल्ली में उसका मतलब एक बहुत ही बुरा वक्त रहा था, या वो जब दिल्ली में था एक बहुत ही बुरा वक्त उसने देखा था। तो अब बैड टाइम यहाँ पर प्रयोग किया गया है काउंटेबल नाउन के तौर पर। तो ये था हमारा रूल नंबर 18। आई होप कि ये यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर लिंग्विस्टिक सेंस किसी का अच्छा है, भाषा को समझने की समझ अगर अच्छी है, तो आप आसानी से स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 19। आर्टिकल ए इज यूज्ड टू चेंज प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन। अब ये देखिए क्या है, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में बदलने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। सिंपल रूल है। एग्जाम्पल, 5 डेज जर्नी, 5 दिनों की जर्नी, 5 दिनों की यात्रा। अब इसे अगर सिंगुलर बनाना है तो कैसे बना देंगे, अब 5 डे जर्नी, यह हो गया हमारा सिंगुलर। अर्थ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस प्लूरल फॉर्म में था अब सिंगुलर फॉर्म में हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 6 मैन कमेटी, मतलब 6 लोगों की कमेटी। अगला देखिए, अ 6 मैन कमेटी, यानी 6 लोगों की कमेटी, सेम अर्थ है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म था, यहाँ पर सिंगुलर हो गया है। 5 इयर्स प्लान, 5 साला प्लान, ओके, 5 वर्षीय योजना बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, अब 5 ईयर प्लान, यहाँ पर ये हो गया सिंगुलर। तो यही बात ऊपर रूल के तौर पर कही गई कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब आप प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कन्वर्ट करते हैं, तब भी आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो का आज लास्ट रूल क्या है, देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, फिर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। यस्टरडे अ मैन केम टू मी, कल बीता हुआ जो कल था, अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। द मैन वॉज वेरी थ्रस्टी, आदमी बहुत प्यासा था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ किंग, कोई राजा हुआ करता था या एक राजा था। द किंग वॉज वेरी वाइज, किंग बहुत बुद्धिमान था, यानी दिमागधारी था। दोनों वाक्यों में आप जो हाईलाइट थिंग्स है उन्हें यानी कि गौर से देखिए। यहाँ पर मैन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी किंग से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ये दोनों क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, ये दोनों क्या इंडेफिनेट आर्टिकल है। हाँ, तो अब आगे देखिए, इन्हीं नामों से, इन्हीं नाउन से पहले हमने द का प्रयोग किया है, किंग से पहले भी द का और मैन से पहले भी द का, जबकि द क्या है, द है डेफिनेट आर्टिकल, द है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है। तो क्या चेंजेस हुए कि आपने फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया ए का और उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया। यही बात समझने के लिए आप नीचे के जो 2 नोट्स है उन्हें समझिए। नोट क्या है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, मतलब आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन, कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन कन्वर्सेशन, स्पीच और स्टोरी, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन में, स्पीच में, स्टोरी में, किसी भी चीज में फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाए या पहली मर्तबा आए या फर्स्ट टाइम उसका जिक्र हो, तब हम उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो फिर द का कब करते हैं? देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, पहले किया जाता है। कब किया जाता है? When same singular countable noun is used second time in conversation, speech or story। आप वही कन्वर्सेशन जारी रखते हैं, स्पीच कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और वही नाउन अब दोबारा रिपीट हो रहा है, तब फर्स्ट टाइम आपने जहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया था, अब आप उसमें कंटिन्यूटी फॉर्म में क्या करेंगे? उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब ये क्यों करते हैं ये भी देख लीजिए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई भी कन्वर्सेशन, स्पीच, स्टोरी यानी शुरू होती है, एट द बिगिनिंग असल में कोई भी नाउन अननोन ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो इंडेफिनिट फॉर्म में होता है, अनसर्टेन होता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इसीलिए वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उसकी बात हो चुकी होती है, अब उसे रिपीट होना होता है उस नाउन को, तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं क्योंकि अब उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, उसकी पोजीशन कहानी में फिक्स हो चुकी है क्योंकि उसका जिक्र एक बार हो चुका है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा, रूल नंबर 20 ये था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।